कोलंबिया एक टूरिस्ट प्लेस। दोस्तों, दुनिया की सबसे रंगीन नदी, अमेजन वर्षा वनों, गुलाबी डॉल्फिनों और 2000 मील लंबे समुद्री तटों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध कोलंबिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, कोलंबिया एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया की सबसे रंगीन नदी कानो क्रिस्टलेस बहती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोलंबिया के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। पोपायान, कोलंबिया की नामचीन स्थानों में गिने जाने वाला ये स्थान व्हाइट सिटी कहलाता है। इसका एक अन्य नाम क्यूडाड ब्लांका भी है। इस सिटी की इमारतें अधिकांश रूप से सफेद ही होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शहर की स्थापना सन 1537 में की गई थी। ये शहर शांत और सुरम्य जलवायु के लिए भी चर्चा में रहता है। यहाँ पर धनी स्पेनिश परिवार रहते हैं। यहाँ कई हवेलियां, स्कूल और चर्च बने हुए हैं। यहाँ की नाइट लाइफ टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ इग्लेसिया दे एर्मिटा और मॉडी थर्सडे बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। मेडेलिन, सन 1980 व 1990 के दशक में दुनिया का खतरनाक माने जाने वाला ये शहर आज अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। अब यहाँ शांति रहती है। ये आधुनिक शहर अबूरा की घाटी में स्थित है। यहाँ पर अगस्त में होने वाला 12 दिनों का फूलों का त्योहार संसार भर में प्रसिद्ध है। इस शहर को रंगीन शहर भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट कई प्रकार के फूलों की प्रजातियों को देख सकते हैं। सैन आंड्रियास एंड प्रोविडेंशिया, कोलंबिया का ये स्थान एक टूरिस्ट हब के रूप में प्रसिद्ध है। मूलतः ये दो द्वीपों का समूह है। ये निकारगुआ के करीब स्थित है। कोलंबिया का सैन आंड्रेस सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये अपने सफेद रेत के समुद्र तट तथा ताड़ के पेड़ों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का समुद्री जीवन देश विदेश के सैलानियों की जिज्ञासा को शांत करता है। यहाँ आने वाले कई टूरिस्ट स्विमिंग का आनंद लेते हुए दिखते हैं। सेंट ऑगस्टिन, ये कोलंबिया का एक छोटा शहर है। ये शहर अपने अवशेषों और प्राचीन स्थलों के लिए विख्यात है। यहाँ पर एक पुरातत्व पार्क स्थित है जहाँ कई मोनोलिथ और मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पत्थर की शानदार नक्काशी का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ कई मानव आकृतियां, राक्षस, सांप, पशु पक्षियों की नक्काशीदार मूर्तियां व खंडर स्थित हैं, जो टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही खास हैं। जोना कैफेटेरा, कोलंबिया का ये खूबसूरत स्थान एंडीज पर्वत की ढलान पर स्थित है। यहाँ पर आने वाले सैलानियों के लिए एक बेहद खास एल पार्क डेल कैफे स्थित है। यहाँ पर मनोरंजन पार्क व वनस्पति उद्यान पाए जाते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट सांता रोजा व सेन विंसेंट के परमल स्प्रिंग में स्नान का मजा उठाते हैं। सैन गिल, ये शहर उत्तर पूर्व कोलंबिया का एक प्राचीन शहर माना जाता है। इसे कोलंबिया की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। ये स्थान माउंटेन बाइकिंग और राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर पार्क एल गलिनेरियन नदी के बीचों बीच एक पार्क स्थित है। यहाँ प्लाजा ला मार्काडो नाम का एक खूबसूरत बाजार भी स्थित है, जिसे अपने खाद्य पदार्थों के लिए जाना जाता है। विला डेल लिविया, कोलंबिया का यह छोटा सा शहर अपनी खूबसूरती के लिए लोकप्रिय माना जाता है। यहाँ प्लाजा मेयर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा चौराहा है। इस जगह पर आप कई उत्सवों, त्योहारों और प्रतियोगिताओं का आनंद उठा सकते हैं। ये स्थान स्पेनिश व मूरिश वास्तुकला से प्रभावित है। यहाँ पर कई सफेद इमारतें और संग्रहालय भी देखने को मिलते हैं। यहाँ कोलंबियाई क्रांतिकारियों की कहानी दर्शाते कई चित्र और दस्तावेज देखे जा सकते हैं, जिन क्रांतिकारियों ने कोलंबिया की आजादी में अपना योगदान दिया था। बोगोटा, इस शहर को कुछ लोग दक्षिण अमेरिका का एथेंस कहकर भी पुकारते हैं। इस शहर की स्थापना सन 1538 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर एक भव्य तारा मंडल तथा स्वर्ण संग्रहालय स्थित है, जो वर्ष भर सैलानियों के आने जाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ला कैंडलारिया के कई चर्च, कैफे और संग्रहालय टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। फेरोना नेशनल पार्क, कोलंबिया के इस पार्क में आप प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। ये स्थान पुराने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्तरी कोलंबिया में स्थित है। इस पार्क में कई बड़े जंगल हैं, वहीं इसका समुद्र तट से भी जुड़ाव है। इसके बीच बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। यहाँ कई वन्य प्रजातियों को देखना पर्यटकों को बहुत भाता है, जिनमें बड़ी छिपकली, बंदर और कई अन्य जंगली पशु भी शामिल है। यहाँ पर इंडियन कोडोर की प्रजाति को देखना हर सैलानी को भाता है। कार्टिगिना,
ये कोलंबिया का एक बेहद व्यस्त शहर माना जाता है। ये एक प्राचीन बंदरगाह था जहाँ कई किले स्थापित किए गए थे। ये किले अपनी वास्तुकला के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर कई प्राचीन महल, संग्रहालय व चर्च स्थित है। यहाँ पर वोका ग्रांडे समुद्र तट पर कई होटलों की कतारें हैं। इसके बीच सैलानियों को बहुत भाते हैं। इस शहर की यात्रा एक आनंददायक यात्रा मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनमोल सुझाव लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने की सीरीज से जुड़ जाएं।